नमस्कार, वंदना जोशी कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम का अचार। कच्चे आम का अचार बनाने के लिए हमको जो सामग्री चाहिए वो यहाँ मौजूद है। ये कच्चा आम या केरी इसको बोलते हैं। ये गूदेदार होना चाहिए, अंदर से सफ़ेद होना चाहिए और इसको एक घंटा पहले भिगा देते हैं और एक घंटे के बाद इसको धो के और अच्छे से पोंछ के फिर इसको काटा जाता है। और ये कैरी जो है 250 ग्राम है। ये 250 ग्राम तेल है सरसों का और ये 50 ग्राम राई है। ये दरदरी करी हुई सौंफ है। ये हींग है। ये हल्दी है तड़के के लिए, सौंफ, राई, खड़ी राई, और ये मिर्ची है और ये नमक है। अब हम सबसे पहले ये मसाला जो है ये इसमें थाली में हम डालेंगे। ये हमने राई डाल दी है और ये एक टेबल स्पून जो हल्दी है वो डाली है। और मिर्च तो आप कम खाना चाहे तो कम, और जो अधिक मिर्ची वाला अचार चाहते हैं तो ये हमने 2 टेबल स्पून मिर्ची डाली है। और नमक हमने डाला ही ये 1 से 1.5 चम्मच नमक है। और अब डाल रहे हैं हींग। ये 1 टेबल 1 टी स्पून हींग है और 1 टेबल स्पून हमने ये दरदरी करी हुई सौंफ डाल दी है। अब इसको हम मसाले को मिलाएंगे। कच्चा आम जो लेते हैं वो एकदम कड़क होना चाहिए, अगर नरम होगा तो अचार ख़राब हो जाता है। इसलिए कच्चा आम को लेते समय अच्छी कड़क केरी लेकर आए अचार के लिए। अब ये मसाला मिल गया है। अब हम तेल गरम करने रख रहे हैं। अब तेल गरम होने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। ये तेल हम इसमें डाल रहे हैं। ये तेल हमारा गरम हो गया और हमने गैस बंद कर दिए। तेल में से धुआं निकलने लगे तो समझ जाइए कि तेल अच्छा गरम हो गया। अब इसको 1 आधे मिनट के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब ये तेल हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम राई का बघार डाल रहे हैं। ये सौंफ डाली हमने बघार में। ये 1/2 चम्मच हींग डाल दी है। अब इसको हम इस मसाले में डाल रहे हैं और इसको अच्छे से इसको सेकेंगे, अच्छे से मिला देंगे हम। ये जो नमक और जो सरसों का तेल होता है ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जैसे हम परंपरागत बरसों से जो हम अचार डालते चले आ रहे हैं उसमें हमको कोई भी केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये जो सरसों का तेल और नमक है ये अपने आप में प्रिजर्वेटिव का काम करता है और ये हमारा अचार साल भर तक फिर ख़राब नहीं होता। अब हम इसमें केरी डाल रहे हैं। ये जो कच्चा आम है एकदम सफ़ेद काट वाला है और कड़क है बिल्कुल। अब इसको हमने मिला दिया है। अचार हमारा अब तैयार है बिल्कुल। और नमक 1 से 1.5 चम्मच, 250 ग्राम केरी में 1 से 1.5 चम्मच नमक डलता है। और अगर थोड़ा आपको कम लगे तो थोड़ा आप ऊपर से और डाल सकते हैं चख के। ये हमारा अचार तैयार हो गया। अब ये मसाला बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा इसके बाद फिर हम इसको किसी कांच के बर्तन में या बरनी में भर के रख सकते, क्योंकि कांच के बर्तन में अचार ख़राब नहीं होता। और इसको आप पूड़ी, पराठे और रोटी किसी के भी साथ आप अच्छे से खा सकते। अगर आपको मेरा ये कच्चे आम का अचार का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।